जो मिलना चाहिए था। बट अगेन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नियो वाइटी को यहाँ पर डाउन करते हुए हेक्टर नजर आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि हेक्टर की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, टीम सोल कैसे उसको संभालती नजर आएगी। चलिए फ्रीज को यहाँ पर नॉक किया गया अक्षत की तरफ से, सुनील को भी मुझे लगता है एक स्प्रेस इनफ रहेगा। जी हाँ, इनफ रहने वाला है। उनको भी एलिमिनेट किया गया अक्षत की तरफ से। टीम को बहुत बखूबी तरीके से बहुत अच्छी पोजीशन से लेकर आ रहा है, बट अक्षत वहीकल की कुछ डैमेज इनसे जेजी को डाउन करते हुए नजर आएंगे। नियो जेजी को सिक्योर करते हुए नजर आ जाएंगे। अंदर मूविंग करना है वन पावर ई स्पोर्ट्स काफी ज्यादा मुश्किलों में, एंड डिसीजन लिया गया टीम सोल की तरफ से कि हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए हेक्टर के ऊपर कुछ अच्छा कनेक्शन, बट अक्षत विद द डीवियस इज द मॉन्स्टर कॉम्बिनेशन। एजेस यहां पर मिल जाएगा टीम सोल को, बट स्पॉट करेंगे ट्रिनिटी को। नॉक खिलाड़ी को सिक्योर किया है, फिनिश अपने नाम किया है। ये थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, बट ये ध्यान देना पड़ेगा राइट हैंड साइड प्लेयर मौजूद है। ध्यान दिया अक्षत ने वापस से, एक बार फिर से फिनिशर्स लेकर जाते हुए नजर आएंगे। सोलो 6 फिनिशर्स यहाँ पर उनके पास। एस ब्लैक भी यहाँ पर डाउन है। एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर 4 को भी स्पॉट किया, स्पेस देने की कोशिश आएगी, बट मुझे लगता है ये एनिग्मा एंड डब्ल्यूएसबी आईजेल पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास। काई को भी स्पॉट करते हुए नजर आते हैं, बट फिनिश को पहले सिक्योर करा। ये एक माइंडसेट बहुत ज्यादा बेहतरीन, बहुत ज्यादा ओपन में स्पॉट किया रिलोडिंग। बट राइजन को सिक्योर करने के लिए क्या जाएंगे, एक रीच का कवर राइजन के पास है, वो सिक्योर नहीं कर पाएंगे। बट नियो एक अच्छा ऑफ एंगल क्रिएट किया, वो दोनों फिनिश चाहे तो वो वहां से उठा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों फिनिश लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेडी प्लेयर्स मौजूद है। जी हां, एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर 4 स्प्रेस देंगे कनेक्शंस। क्या नियो को मिला, बिल्कुल शायद हां। यहाँ पर नियो डाउन होते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आईजीएल मौजूद है जिनकी पोजीशन ऑलरेडी रिवील है। व्हीकल बर्स्ट किया गया, फिनिश सिक्योर करेंगे। मल्टीपल स्मोक्स कर दिए गए इन एरियाज में, इस फायदा उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बेहतरीन तरीके से रिवाइवल प्रोसेस करेंगे, बट एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर 3 एक उजी नियो का एलिमिनेशन। अब यहाँ पर नियो के एलिमिनेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो मौजूद है यहाँ पर आईजीएल, टीम फिनिशर्स उनके पास देखने को मिलेंगे। वो थोड़ा सा पीछे हटे, इस फाइट को डिसएंगेज करने का डिसीजन लिया है, बट कहीं ना कहीं उनके प्लेयर एक आगे बढ़ चुके हैं, तो फायदा यहाँ पर मिल सकता है। सो लक्षत इस पे किया है खिलाड़ी को यहाँ पर डाउन, क्या एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे। सामने रहने वाली है टीम रैकनिंग ईस्पोर्ट्स। आईजीएल यहाँ पर मौजूद जरूर, एक ग्रेनेड अच्छा गया है, बट डाउन नहीं करेगा। हेक्टर द सपोर्ट एंड द सोल्ट प्लेयर ऑफ टीम सोल आगे मूविंग करेंगे। यहाँ पर एस ब्लैक बहुत अच्छे तरीके से खिलाड़ी व्हीकल लगाया था, बट उसके बावजूद व्हीकल बस डाउन, खिलाड़ियों का डाउन। ओपी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, पीछे से आएंगे टीम टाइटन पंक। टीम त्रिभा का ये खिलाड़ी अच्छा स्प्रेस दिया है, बट अक्षत वो रुकना नहीं चाहते, वो थमना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि उनको इस पोजीशन पे आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कतें हो पाएंगी। S12K का मौजूद, कनेक्शंस चाहिए था, वो मिला। एक खिलाड़ी को किया यहाँ पर डाउन, स्मोक्स उनके हाथों में है। मुझे लगता है ये सही समय है टीम सोल के लिए पुश करने का। एक्टर वो चार्ज करने की कोशिश, बट फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा लो एनएचपी पे। व्हीकल बस डाउन, अक्षत यहाँ पर डाउन होंगे। आईजीएल ओमेगा यहाँ पर अब आपको थोड़ा गेम में आना पड़ेगा, फाइट्स निकालनी पड़ेगी, बट डब्ल्यूएसबी इस तरफ कवर प्रोवाइड करते हुए स्पॉट किया, डाउन किया, खिलाड़ी को सिक्योर करने की कोशिश थी, हो जाएगा डब्ल्यूएसबी के पास। आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, सामने टाइटन के दो बॉय देखने मिल जाएंगे। इसके बावजूद डाउन किया गया फ्रीक यहाँ पर मौजूद, कुछ प्रिडिक्टेड स्प्रेस इन स्मोक्स में जो कि इनफ रहने वाले एलिमिनेट करने के लिए टीम इन्फिनिटी। ओपी आगे गए थे और फिर स्टार बॉय को डाउन किया जाएगा, यूजलेस जो कि वहां पे व्हीकल से दो दो प्लेयर्स को कुचल चुके हैं। फ्रे गॉड इकलौते खिलाड़ी यूजलेस वापस अभी जाते हैं, और टीम हाइड्रा का एलिमिनेशन इस बीच में आ जाता है। ओ माय गॉड, टीम हाइड्रा एक अच्छे अंदाज में दिख रही थी, लेकिन फिर उनका भी एलिमिनेशन आता है टीम सोल के खिलाफ भी। अब हालांकि टीम एनिग्मा जाना चाहती है, अक्षत यहाँ पे दूसरी साइड से, हेक्टर को बैकअप वहां पे चाहिए रहेगा, लेकिन क्या बैकअप अक्षत अभी दे सकते हैं। जी बैकअप हो तो ऐसा हो, क्योंकि इन्फिनिटी ओबी को नॉक किया जाएगा, बाकी को फिनिश किया जाएगा। देयर वी गो टीम सोल,